हेलो। आज हम एक शटर वर्क खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सी बोलूँगा बेसिकली मैं, काफ़ी इजी और काफ़ी स्कोरिंग एक्सरसाइज यही है। इजी भी है और स्कोरिंग भी है। हाँ, अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं तो काफ़ी इजी है, और अगर क्वेश्चन आते तो स्कोरिंग तो होगा ही ऑब्वियसली। अगर इजी है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। इसके अंदर हमें तीन चार चीज़ें पढ़नी है बस, वो भी सारी प्रैक्टिकल है, यानी थ्योरी में डेफिनेशन से याद करना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। आएगी इस एक्सरसाइज टोटली क्वेश्चंस प्रैक्टिकल। हाँ, एमसीक्यू बेशक बन जाए थ्योरी के ऊपर, पर थ्योरी एज अ लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर तो नहीं बनेगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस मिलती है ना, ज़्यादा फोकस देना प्रैक्टिकल पर, ठीक है। तो आपको मैंने समझा दिया कि बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। पढ़ते हैं एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। पहला टॉपिक क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। मुझे नहीं पता आप रिलेटिव वर्ड पहली बार पढ़ रहे हो या इससे पहले पढ़ चुके हो, और आपको इसका मीनिंग पता ही नहीं पता। रिलेटिव ये जो वर्ड ना हो ना, इसका मतलब इन रिलेशन टू समथिंग। रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में, किसी के रिलेशन में, मतलब किसी के रिलेशन, मतलब किसी के रिलेशन से सिर्फ, मतलब जब भी रिलेटिव लिखो तो रिलेटिव मतलब कि रिलेशन, मतलब किसके रिलेशन, मतलब यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे आप लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, आप किसी एटम का मास निकालना है, आपको किसी एटम का मास निकालना है, बट किसी उसके रिलेशन में, किसी उसके रिलेशन में, यानी आपको बेस कुछ और ही बनाना है, आपको यहाँ पर बेस कुछ और बनाना है, आपको किसी के रिलेशन में, आपको किसी के रिलेशन में एटॉमिक मास निकालना है, मतलब क्या यहाँ पे बेसिकली किसके रिलेशन में निकालना है, मेरा इजी कर दो थोड़ा सा समझाने से, समझाने के लिए। किसी के रिलेशन में, तो किसी के रिलेशन मतलब कि आपको कार्बन के रिलेशन में वेट निकालना है, कार्बन के रिलेशन में मास निकालना है, मतलब क्या। अगर आपको हाइड्रोजन का वेट निकालना है, सोडियम का वेट निकालना है, यानी आपको किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का आपको अगर मास निकालना है, तो हम निकाल देंगे आउट ऑफ कार्बन। यानी यहाँ पे हम जिस चीज़ का मास निकालेंगे वो एज कम्पेयर टू क्या निकालेंगे, कार्बन। एज कम्पेयर टू क्या निकालेंगे, कार्बन। ही होता है रिलेटिव का मीनिंग, ये होता है रिलेटिव का मीनिंग। ये जिस चीज़ के रिलेशन में हम निकाल रहे हैं, उस चीज़ को हम डिनोमिनेशन में रखते हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एटम्स बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल कैन नॉट बी सीन और वे डायरेक्टली। वो कह रहा है एटम्स काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, काफ़ी बहुत 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 छोटे होते हैं, और उनको आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, ना उनका डायरेक्टली वेट कर सकते हो, ना उनका डायरेक्टली वेट निकाल सकते हो। बट फिजिक्स वालों ने कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स डेवलप किए हैं टू नो द एब्सोल्यूट मास ऑफ नियरली ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स। एब्सोल्यूट मतलब क्या, एक एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। एक वो नंबर भी क्या होगा, एग्जैक्ट भी। नियरली ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स, यानी हर एटम्स का तो नहीं, पर नियरली लगभग लगभग सभी एटम्स का आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो कह रहा है जनरली देखा जाए तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1.66 × 10²⁻²⁴ ग्राम। कार्बन की क्या है, 1.926 × 10²⁻²³ ग्राम। वो ग्राम, ठीक है, सारे ग्राम्स में दिए हुए हैं, ठीक है, यानी किसी के रिलेशन में नहीं है, तो नॉर्मल मास दिया हुआ इनका। वो कह रहा है ए दिस मासेस आर टू स्मॉल, ये मासेस तो छोटे हैं कि ये कन्वीनियंट है नहीं, ये यूजफुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे यूनिट का यूज करो। किस चीज़ का यूनिट का यूज करो, किलोग्राम में ग्राम का यूज करो, किलोग्राम में ग्राम यूनिट का यूज करो, कोई मैटर नहीं करता, ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं यूजफुल, बहुत छोटी फिगर से, बहुत छोटी है, यहाँ पे आपको फायदा नहीं है। अगर आप ऐसे देखो कि ये एटम कार्बन से कितना भारी है, ये वो वाला एटम उससे कितना भारी है, तो समझ में भी आता है। तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया कि आप देखो किसी और के कंपेरिजन में कितना भारी है, किसी और के कंपेरिजन में कितना हल्का है, ठीक है। इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया, रिलेटिव एटॉमिक मास का, रिलेटिव वाले जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो सीरियस आते हैं कि अकेले में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम एज कम्पेयर टू, सॉरी, एज कम्पेयर टू समथिंग अदर, हम क्या निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। इट हैज देयरफॉर बीन कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट टू यूज द मास ऑफ सम स्टैंडर्ड एटम। इसलिए ऐसा एप्रोप्रिएट समझा गया, ऐसा सही समझा गया कि हम किसी स्टैंडर्ड एटम का मास हम यूज करें, यानी किसी स्टैंडर्ड एटम के मास के यूनिट को हम यूज करें। इसे हम एक किसी एटम के, मतलब एक स्टैंडर्ड एटम माने, उसके उसका जो मास की जो यूनिट है ना, उससे हम क्या करें, उससे हम क्या करें, रिलेट करें, उससे हम क्या करें, दूसरे एटम्स के मास को क्या करें, रिलेट करें। इससे जो हमारे पास मास आएगा, इससे जो हमारे पास मास आएगा, यानी जो रिजल्टिंग मास होगा,
उसको हम क्या बोलते हैं, रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर मास तो हम वेट भी बोलते हैं थोड़ी रफ लैंग्वेज में, एग्जैक्ट तो नहीं, तो उसको एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, इसको एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, ठीक है। इन द बिगनिंग द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम वॉज चूजन एज अ यूनिट। स्टार्टिंग में तुमने हाइड्रोजन एटम का मास यूज किया था, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड एटम की तरह हमने हाइड्रोजन को यूज किया, ठीक है। एंड मास ऑफ अदर एटम्स वर कंपेयर विद, और बाकी अदर एटम्स को उससे कंपेयर करते थे, ठीक है। बट 1961 में क्या हुआ, कार्बन 12 वॉज फाइनली सिलेक्टेड, बाद में कार्बन को हमने सेलेक्ट कर लिया। कार्बन 12 का मतलब क्या है, कार्बन 12 मतलब क्या होता है, आपको तो कार्बन में एक टाइप के होते हैं, उनकी भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो 12 जो 12 जो टाइप्स है ना डिस्कवरी के बाद, जो 12 टाइप्स में जो मिला था ना कार्बन, तो ये उस वाले कार्बन की बात करें, तो वो कहा फिर बाद में कार्बन 12 को सेलेक्ट किया गया, क्योंकि इसका जो एडॉप्शन था ना लीस्ट अफेक्टेड था विद द वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द ओल्ड स्टैंडर्ड। वो कह रहा मतलब इसका मतलब एक वो कह रहा है, जो प्राणी जो हमने स्टैंडर्ड बना रखी थी ना प्राणी, उनसे बहुत कम अफेक्ट होता था, उनसे बहुत कम अफेक्ट होता था, यानी कहने के लिए तो ये ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा अच्छा था, क्यों दिया था वो नहीं दिया उन्होंने स्पेसिफिकली, तो छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कार्बन 12 को हमने क्या मान लिया, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वो कैलकुलेट करने का तरीका ये है, वो कह रहा है आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल, तो कह रहा है आप किसी भी एटम का मास कंपेयर करो किससे, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, वो भी पूरे के पूरे कार्बन से नहीं, कार्बन के 1/12 पार्ट से, 1/12 पार्ट से, यानी ये देखो कार्बन के 1/12 पार्ट से वो एटम कितना भारी है। 2 मिनट को जरा मैं विंडो क्लोज कर दूं, अब आपको नहीं तो साउंड आएगा। भी थोड़ा आपको साउंड आ रहा होगा, इसको ज़रा अवॉइड करने का ट्राई करते हैं हम, ठीक है। अब ये साउंड भी बंद नहीं हो रहा, गेट बंद करके भी, इसको ज़रा मैं एयरफोन्स लगा लूँ। ठीक है, तो फिर कह रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास का मीनिंग को क्या कहना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक वेट क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर, कि ये जो ऊपर वाला एटम है ना कितने टाइम्स कितना ज्यादा हैवी है, कितना ज्यादा हैवी है किससे, कार्बन के 1/12 पार्ट के, कार्बन के 1/12 पार्ट के। तो फॉर्मूला क्या हो गया रैम का, सर जिस एटम का मास निकालना है, जिस एटम का रैम निकालना है बेसिकली, उसका मास लिखो, नीचे क्या लिखो, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, सिंपल सा, ठीक है। वो कह रहा है एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस इन एएमयू, एटॉमिक मास जो होता है ना उसको एएमयू में डिफाइन करते हैं, जिसके यूनिट होते हैं उसको हम एएमयू लिखते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट है ना। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम C12। वो कह रहे हैं जो एटॉमिक मास जो हम निकालते हैं बेसिकली वो कैसे डिफाइन, वो हमने कैसे किया, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से हमने क्या उसको डिफाइन किया, इसको छोड़ देना फिर काम की बात नहीं है, ये भी काम किया नहीं, इसको छोड़ देना। हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बस इसका आंसर लिखोगे तो उसके 3 यूनिट्स होती हैं, या तो आप उसमें 12 यूनिट्स, जैसे या तो आप यूनिट्स लिखो, इसका जो आंसर था वहाँ पे आप यूनिट्स लिखो, ठीक है, या फिर सिंपल सा यू लिख दो, या तो सिंपल सा क्या लिख दो, यू लिख दो, या फिर आप चाहो तो AMU भी लिख सकते हो, ठीक है। तीन तीन यूनिट है, तीन तीन यूनिट है लिखने के पास। दस द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 AMU, इसलिए हाइड्रोजन का जो मास है ना वो 1 AMU है, सब 1 AMU कैसा है नीचे उन्होंने बताया सॉल्व करके, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूला रख के सॉल्व कर भी सकते हैं, करेंगे भी, ठीक है, बुक में दिए हैं। एंड दोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम आर 16 AMU एंड 4 AMU रेस्पेक्टिवली, ऑक्सीजन का 16 और हीलियम का 4। एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन इन द प्रिलिमिनरी पेजेस ऑफ दिस बुक। को कह रहा है एलिमेंट्स के मास जो ना एलिमेंट्स के वो चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखे हैं, नहीं सॉरी इस पेज ऑफ दिस बुक, इस बुक के स्टार्टिंग में दे रखे हैं, स्टार्टिंग के इस बुक के स्टार्टिंग के पेजेस में हमने दे रखे हैं। नोट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट वन एटम ऑफ C2 हैज बीन हैज अ मास ऑफ दिस,
वो कह रहा है C2 का अगर मास देखा है तो C2 का मास पता हमसे नहीं, आपको कार्बन का C12 का, तो C12 का अगर मास देखा है तो उसका ये है। अब इसको वैल्यू रखते, चलो अब इसको 12 से डिवाइड करो, इसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, यानी कि आप कह सकते हो कि 1 AMU की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 AMU की वैल्यू आपके पास ये है। सर 12 AMU की वैल्यू ये है, ये 12 AMU की वैल्यू है, 12 AMU की, 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन की, तो हमें एक की चाहिए, तो एक की चाहने के लिए हम क्या करेंगे, इस 12 को सर भेजेंगे तो सर जाके ये क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके वैल्यू आ गई है, तो ये 1 AMU की आपकी वैल्यू याद रखनी है। अब देखो अभी हमने पढ़ा ऊपर रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम, रिलेटिव एटॉमिक, एटॉमिक यहाँ पे क्या मॉलिक्यूलर, यानी सर वहाँ पे बात एटम्स की हो रही है छोटी छोटी चीज़ों की होती है, अब बात यहाँ पे छोटी बड़ी चीज़ों की होगी मॉलिक्यूलर की। तो बताओ सर एटम्स का मास तो हम निकालना सीख गए, मॉलिक्यूलर का कैसे निकालोगे, तो बोले समझो मॉलिक्यूलर कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर मतलब कि बहुत सारे एटम्स को मिलाते हैं, तो बस मॉलिक्यूल्स का अगर आपको वेट निकालना तो बहुत सारे एटम्स का वेट मिला दो, बस हो गया सिंपल सा। तो क्या है ये, तो क्या है ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, नंबर दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल, तो वही डेफिनेशन दी हुई है, पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं। हमें इस तरीके तुम कैसे पढ़ोगे, कैसे निकाला जाता है बेसिकली, एडिंग टूगेदर ऑल दी रिलेटिव एटॉमिक मासेस, जितने भी आपने रिलेटिव मास निकाले हैं, यानी आपको जिस मॉलिक्यूल का निकालना है, आपको जिस मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूल मास निकालना है, तो देखो उस मास उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स आते हैं, उन सभी एटम्स के क्या करो, रैम को ऐड कर दो, उन सभी के रैम को क्या करो, ऐड कर दो, आपके पास मॉलिक्यूल का क्या जाएगा, RMM आ जाएगा, RMM आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं H2SO4 का रिलेटिव मॉलिकुलर मास निकालो, तो सर इसके लिए पहले हमें एक एक एटम्स का भी निकालना पड़ेगा। हाँ तो एटम्स का निकालने का तरीका बहुत ईजी है, तो अब पहले तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि कितने एटम्स हैं, उसके कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्स H एक एलिमेंट है आपका, यहाँ पे S एक एलिमेंट है आपके, यहाँ पे O, तो लिखो H है, S है, O है, तो देखो किसके कितने एटम्स हैं, H के 2 हैं, एस का 1 है, 4 और फिर ओ के 4 है, तो अभी हाइड्रोजन का AMU कितना था, अभी हमने पढ़ा था 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, सर सल्फर कितना है, ये भी मैंने कैलकुलेट करना नहीं सीखा, आपको बुक में दिया होगा, आपको बुक में दिया होगा, सर बुक में दिया होगा, कहाँ यहाँ पर दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी होंगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको सल्फर का भी दिया हुआ है, इसके एक ही यूनिट तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का 6 है, उसके 4 मास, उसके 4 एटम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, 2 20 32 और 64 ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा, आपके पास 98, बहुत ईजी है। दस मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है समझ आ गया, एग्जांपल्स दे रहा है, अभी एग्जांपल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक कैन शुगर का निकालना है, कॉपर सल्फेट का निकालना है, क्रिस्टल्स का निकालना है, अमोनियम सल्फेट का निकालना है, मैं 2 का बताता हूँ, ठीक है, एक का आपको होमवर्क में करना है, मैं ए और सी का निकालता हूँ, ठीक है, एच और सी का, ए और सी का, तो ए और सी का भी निकालना है, मैं बी और सी का निकाल लो, ए का तो आप इजिली निकाल सकते हो, मैं बी और सी का बताता हूँ। तो कह रहा है आपको किस का निकालना है, बी का, आपको C SO4 कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन का सेल निकालना है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आइटम्स, एक तो CU है, एक S है, एक ओ है, एक एच है, तो यहाँ पे इन्होंने तो बहुत गंदे तरीके से किया, आपको इस वाले तरीके से करना, इस वाले तरीके से आपने ना इस वाले तरीके से लिखना, जैसे कि यहाँ पर एक सी, यहाँ पर CU लिखो, ठीक है, एक और छोटा कर लूँगा और बड़ा कर लूँगा पेज को अपने, ताकि मैं इजी लिख पाऊँ, CU है यहाँ पे, S है, O है, एच है, ठीक है, आप भी एग्जाम इस तरीके से करोगे तो इजी रहेगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, एक टेबल बनाना ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पर लिखना AMU, यहाँ पर लिखना AMU, यहाँ पर AMU कितना, तो AMU आपको बुक में दिया हुआ है 63.532, यहाँ पर लिखा हुआ 63.5, यहाँ पर 32, फिर यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर लिखो एटम्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं, फिर यहाँ पर लिखो एटम्स कितने हैं, CU का कितना है, CU का 1 ही है, 1 लिखा, S का कितना है, 1 ही है, O के कितने हैं, O के चक्कर का 4 ये रहे,
और 5 ये रहे, यानी टोटल कितने हो गए? नहीं टोटल कितने हो गए? नहीं टोटल कितने हो गए? नहीं ठीक है, फिर बताए एच एच के कितने हैं? 5 टू 10, एफ कितने हैं? 2 तो ये रहे, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 टू 10, 5 टू 10 10, तो 10 हो गई। इनको सॉल्व कर जरा। ये दोनों 1 1 है ना? ये तो 10 आ गया, 31 का टोटल 10 आ गया। चेक करते हैं, मैंने एक दूसरे तरीके से किया, और आई थिंक इससे भी आ जाना चाहिए, आ तो जाना चाहिए है ना। 16 का 9 से मल्टीप्लाई करो, 16 से जा, वो 16 10 जा 160, 160 में से 10 माइनस कर 150, 144, 144, यहाँ पर दोनों एक एक आ जाएंगे, 32 और 63.5, इनको प्लस करो, तो 5 का 5.3025 और 4 9 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 का 4 1 कह रही है, 1 और 1 तो 249 आ गया। आपको ऊपर तरीके समझ में नहीं आएगा, वैसे तरह से टेबल आके कर लो, अच्छी प्रेजेंटेशन में आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है? इजी है ये, कर दिया मैंने, ठीक है? दूसरा वाला सी वाला देखें, इसका ए वाला होमवर्क में, ठीक है? दे यार देखना, अब क्या करना है, रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ NH4 2 और SF4, इसका निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है, क्या क्या एलिमेंट से वो लिखो, क्या क्या एलिमेंट से वो लिखो, तो हम टेबल बनाना है यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे AMU लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मास या फिर एटम्स, कितने एटम्स हैं, और बाद में वहाँ पे लिखेंगे आगे प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर और यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स में से करें। तो 4 टेबल आपको बनानी है, मतलब 4 कॉलम वाली टेबल आपको बनानी है। तो एक एन है, एक एच है, एक एफ है, एक ओ है। एन के कितने एलिमेंट्स हैं? एन का 4 से, अब देखो उन्होंने एन को अलग से लिया है ना, एन का 4 2 से मल्टीप्लाई करो, तो एन के 2 a, हाँ एन के कितने एलिमेंट हो गए? 2। एच के कितने होंगे? 4 टू द 8, ठीक है? बचा एस, एस के कितने हैं? 1। ओ के कितने हैं? 4। ए मु लिखना है, हाइड्रोजन का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, थोड़े बहुत आपको करते करते याद देंगे, नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन का 14 है, नाइट्रोजन का कितना है? 14, ठीक है? तो आपको दिए हुए हूँ, या यहाँ पे लिख दो सॉल्व करके, 14 टू जा 28, 1 8 जा 8, 32 टू 1 जा 32, 16 4 जा 64, इसको सॉल्व कर लेना, आपका 132 आ जाएगा। इस तरह से टेल ना के कर लेना आप, ठीक है? इजी है, ये वाला होमवर्क है। अभी का परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज मतलब क्या, सब परसेंटेज पूछेगा, तो ठीक है परसेंटेज, अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, परसेंटेज का सिंपल से लिखा है, सब परसेंटेज ऑफ वॉट निकालना है, परसेंटेज ऑफ वॉट, सो सब परसेंटेज डिवाइडेड बाय, यानी परसेंटेज जिस वैल्यू को परसेंटेज निकालना, तो पहले तो वो वैल्यू लिख दो, फिर आउट ऑफ वॉट किस में से निकालना है परसेंटेज, यानी से टोटल वैल्यू लिख दो जिसमें से आपको निकालना है, into 100, सिंपल सा परसेंटेज आपको निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है, अभी परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग बता रहा है, वो कह रहा है परसेंटेज कंपोजिशन, जो मैंने भी मीनिंग तो परसेंटेज का था, अब जो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज दिस परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, मतलब हम बेसिकली देख रहे हैं कि कितना परसेंट है कोई भी एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ से नहीं करा था, मैं ऊपर वाले के करा रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास कंपोजिशन है 132 वाला, टोटल वेट कितना है इस मॉलिक्यूल का? 132 AMU, ठीक है? मेरे को नाइट्रोजन का वेट निकालना है, वो किसका निकालना? नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का वेट कैसे निकालूंगा सर? नाइट्रोजन ने अकेला कितना वेट लिया? 28, तो 28 आउट ऑफ व्हाट? 28 आउट ऑफ 132, ठीक है? इसका निकाल लो,
इंटू 100 करो, सॉरी इसका तो अभी ठीक है, इंटू 100 करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू सॉल्व कर लेना, मैं तो नीचे दिखता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चलो कैसा सॉल्व किया भी है, लेकिन उन्होंने किया भी है, किया भी है, किया भी है। अच्छा नहीं किया, दूसरा है ये, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। 28 से ये काटा 2 से 14 टाइम्स, ये काटा 61 ठीक है। और अब इसको आप करोगे तो आपका आंसर आएगा, तो डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, मैं तो डिवाइड नहीं कर रहा, टाइम लगेगा मेरे को। इसका आंसर आपका आएगा 22.95। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो बना हुआ है, ये जो एक मॉलिक्यूल है अमोनियम सल्फेट, इस अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना है, तो अमोनियम सल्फेट में 22, यानी मैं उसको रफली बोलूंगा 23, कि ऑलमोस्ट 23% तो क्या नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। इसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, कि कितना कितना परसेंटेज किस किसका कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर रहता है कि 23% तो नाइट्रोजन डला हुआ ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिए क्या सर आप कराओगे? अब नहीं करूंगा, मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, ये काफी है सफिशियंट है समझने के लिए। ये बेकार लाइन है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो पहले वाटर का पहले टोटल वेट निकालो कि वाटर का टोटल कितना था, टोटल उन्होंने निकाल डाला, फिर हाइड्रोजन का कर दो, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 into 2 into 2/18 निकाल दिया उन्होंने, तो इस तरह से करना है। तो ये दोनों आपके होमवर्क में देखें, आपके होमवर्क में जितने भी क्वेश्चन चित के ये आपके होमवर्क में। जी अब इसमें एक समझनी है आपको, क्या अरे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का निकाल लोगे ठीक है। ये बोला हो कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट, तो सभी का पूछ ले तो कैसे निकालोगे? सब बन बन करके यहाँ पे हेडिंग डालना कि एन का निकाल ले भी आप, फिर यहाँ पे डालना आप उसके बाद किसका निकाल लो, यहाँ पे हमने किसका निकाला है, ये सी का निकाला है, तो ऐसे टेल बना देना। इनके तरीके कॉपी मत करना, इनका तरीका थोड़ा खराब है, आप थोड़ा अपना क्लियर करना ठीक है। फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा, अब किसका निकालना है, पूरे वाटर का निकालना है, एच टू का, तो एच टू का आपको कंबाइंड वेट लिखना होगा ऊपर ठीक है। ईजी है ये भी, एक टॉपिक रह गया हमारा लास्ट, क्या वाला क्या रह गया हमारा लास्ट टॉपिक, एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉर्मूला नहीं, बेसिकली पता है क्या कहता है कि आपको अगर किसका वेट देखना तो रेशो में देखो, रेशो में कि उनका वो आपस में किस प्रपोर्सन में, वो आपस में किस प्रपोर्सन में, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं एटम्स हैं वो आपस में किस प्रपोर्सन में है, ये सब बताते हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। वो क्या कहता है, चलो इसमें समझा दूँ, ऐसे बोला कि ये मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, इन दोनों के बीच प्रपोर्शन क्या है, दोनों के बीच प्रपोर्शन क्या है, तो इसको रेशियो में निकालो, 2 over 2 को, तो 2:2 को आप क्या लिख सकते हो, 2:2 को आप क्या लिख सकते हो सर, 1:1 लिख सकते हो। तो बस ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच 1:1 का रिलेशनशिप है, बस ये बताते हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला और कुछ नहीं बताता ठीक है। तो रेशियो सॉल्व करने बहुत ईजी चीज़ है ये, इसलिए मेरे को पता है कि शायद आएगा नहीं, इसलिए मेरे को लगता है, इसलिए पता नहीं क्या अलग टाइम मेरे को, टीचर को इजी पेपर रहना होगा तो वो ये दे सकते हैं। दरवाज जी द एम्पायरिकल का फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इज द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी ये क्या देता है, एक होल नंबर में एक रेशियो देता है, सिंपल सा क्या देता है, रेशियो देता है,
वो भी किसका, अलग अलग एलिमेंट्स का, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये वाला एग्जाम्पल समझाई तो मैं नीचे देखता हूँ। सर सिमिलरली एम्पायरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का है तो इन तीनों के नंबरों के बीच रिलेशन निकालते हैं। सर ये वन, ये टू और ये वन, वन इस टू इस टू वन आ गया बस। अब वो ये कह रहे हैं कि सर हो सकता है कि एम्पायरिकल फॉर्मूला कैन बी सेम फॉर टू और मोर कंपाउंड्स। वो कह रहा है एम्पायरिकल फॉर्मूला, एम्पायरिकल फॉर्मूला रेशो, तो वो कह रहे रेशो ना दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के सेम हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आपने निकालता वन इस टू टू इस टू वन, ठीक है। अब ये आप इसका निकालोगे एसिटिक एसिड का, तो ये भी निकल के क्या आएगा वन इस टू टू इस टू वन, तो दोनों सेम है या नहीं है। हाँ तो वो सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यहाँ पर बात की थी किसकी, फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड, ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड की बात कर रहा है। अब ये बात कर रहे हैं मास के, अभी बात कर रहे हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला मास क्या है। इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एम्पायरिकल फॉर्मूला। कि वो क्या एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालो, फिर तो फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला निकाल लिया। हाँ तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पहले फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला क्या निकला इसका वन इस टू वन, ठीक है। अब इनका मास निकालना आपको, मास तो मास दोनों के प्लस कर दो, सर इसका मास कितना होता है, इसका मास कितना होता है हाइड्रोजन का वन, तो वन इंटू वन, ठीक है। इसका मास कितना 16, तो 16 इंटू वन, टोटल कितना आ गया आपका 17। इन दोनों को प्लस करना है बीच में, इसे प्लस करना है तो आपका टोटल आंसर क्या गया 17 बस। ईजिली ये ऐसा है कि रेशो का मल्टीप्लाई कर दो उनके एटम्स में, उनके रेस्पेक्टिव ए एम यू में बेसिकली, और उनको प्लस कर दो बाद में तो आपको ये निकल जाएगा, ठीक है। आपके चैप्टर कंप्लीट, सिवाय इस वाले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन छोड़कर जो लास्ट में होंगे, और तभी होंगे जब आपके सारे नाम इनके क्या करोगे याद करोगे, ठीक है। अब इसमें देखता हूँ मेरे को सॉल्व होमवर्क देना है क्या, एक से तो होमवर्क में क्या, फिर एक से आपको सॉल्व करके रखनी है, तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। बाद में मैं कराऊंगा उसको, बाद में आपको पूरी होमवर्क करके, ये तो याद करने कल दिए मैंने, याद करने कल तो याद करो यहाँ पे लिखो। हाँ बनाते कैसे हैं, अगर ये नहीं सुन आएगा तो मैं बता दूंगा, तभी मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, जो टी आर वाले होते हैं, टी आर वाले और पी एच वाले, टी आर वाले 3 में आते हैं और पी एच वाले 4 में आते हैं, ठीक है। एक ट्रिक मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। और जितने भी ये होते हैं, एक मिनट में आपको बताऊं, ट्रिक बताऊं, कैसे बताऊं। सो ओ लास्ट स्टार्टिंग में ओ है, फिर ई है, स्टार्टिंग में ओ है फिर ई है, मैं अगला ओ नहीं बोला, ओ और ई दोनों बोलूं, ठीक है। यहाँ पर भी ओ है और ई है, इसको नहीं ये अलग एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन वाला मुश्किल है, ये ओ और ई है। बोला कहने वाला कि जैसे क्लो राइड ओ राइड हो रहा है, ओ राइड हाइड्रोक्साइड ओ आइड हो रहा है, ओ आइड जहाँ पे ओ आइड वाला साउंड निकलता है, ओ आइड वाला साउंड, वहाँ पे विस पावर टू आती है, वहाँ पर विस पावर क्या आती है टू आती है, ठीक है। ये बेसिक ट्रिक है समझाने वाली, और कुछ नहीं। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिमिलर एसिड टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड, ऐसा करने के बाद सर्च से ट्राई करो, एक दो दिन लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सर्च से ट्राई करो चैप्टर की, ठीक है। फिर जो समझ में ना आए वो सारे मार्क करके रख लेना, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। सारे होमवर्क है ये, सारे होमवर्क है, ठीक है, सारा ही होमवर्क है, एक एक करके मार्क कराऊंगा, सारे होमवर्क है, एक बार खुद से करके देखना, फिर मैं कराई दूंगा, ठीक है।